आज पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, गाजीपुर बलिया वाराणसी पहुंचेंगे अखिलेश। सबसे पहले बलिया में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज एक बार फिर कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले लखनऊ को मिलेगी सौगात, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी फ्लाईओवर को करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी रहेंगे मौजूद। आज राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक रूट में किया गया बदलाव, देशी मेहमानों और वीवीआईपी मूवमेंट के चलते कई रास्ते रहेंगे बंद। आज काशी पहुंचेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन भी साथ रहेंगे। विश्वनाथ धाम और गंगा आरती और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी। मेरठ में खिचड़ी के दौरान बारातियों पर चढ़ी बेकाबू कार, कार की टक्कर से दो बारातियों की मौत, कई बाराती गंभीर रूप से घायल। हादसे में कार की चालक भी जख्मी हो गया है, जानी थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मथुरा पहुंची बारात में डीजे पर डांस को लेकर भिड़े दो पक्ष, दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद चल रही चार पत्थर, चार लोग घायल, मथुरा का वीडियो है सामने। मुरादाबाद पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाई मर्डर मिस्ट्री, युवक के दोस्त ने ही हत्या को दिया था अंजाम, 55,000 रुपए लूट कर आरोपी ने दोस्त का किया कत्ल। पुलिस ने आरोपी हरिओम सैनी से लूटा गया मोबाइल और बाइक बरामद किया, पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस टीम को 15,000 पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया। एटा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बिना नाम लिए दो बड़े उद्योगपतियों को कहा लुटेरा, नेताओं को उद्योगपतियों का संरक्षक बताया। भदोही में सपा विधायक ने की पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ, अटल की को जोड़ने वाला नेता बताया, अटल जी की प्रतिमा के अनावरण में ब्रजेश पाठक के साथ मौजूद रहे सपा विधायक। अमेठी में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने केंद्र सरकार के बजट पर की चर्चा, एक स्कूल में संबोधन के दौरान गिनाए बजट की खूबियां, समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। बस्ती में सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा, 4 एकड़ सरकारी जमीन पर दबंगों ने किया अतिक्रमण, करोड़ों की जमीन को बुलडोजर से एक मदद से कराया गया खाली। बागपत में लोगों को नकली घी बेचकर फरार हुआ शातिर ठगों ने बरनावा गांव में किराए पर ले रखी थी दुकान, पकड़े जाने का शक होने पर दुकान बंद कर फरार हुए। मथुरा में एक ही नंबर के दो गाड़ियां चलने का फर्जीवाड़ा आया सामने, कार मालिक ने एक कॉलेज बस को कोतवाली में कराया बंद, कार के नंबर से मेल खा रहा था कॉलेज की बस का नंबर। बस्ती में 23 साल की अबरीन बानो ने किया धर्म परिवर्तन, प्रेमी के लिए बदला धर्म हिंदू रीति रिवाज से, मंदिर में प्रेमी के साथ की शादी। कानपुर में 10,000 रुपए रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने आवास विकास में तैनात क्लर्क को पकड़ा। श्रावस्ती में NH 730 पर गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक को किया गया सुचारू। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पीएम नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में देंगे जवाब, दोपहर 12 बजे के करीब बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की तैयारी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जारी करेंगे घोषणा पत्र, दोपहर 12:30 बजे जारी होगा घोषणा पत्र। केजरीवाल सरकार के कथित जासूसी कांड के खिलाफ आज सड़क पर उतरेगी बीजेपी, सुबह 11:30 बजे शहीदी पार्क और आईटीओ पर करेगी प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार पर भाजपा का जासूसी आरोप, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 2015 में नेताओं अफसरों की जासूसी के लिए यूनिट बनाई गई, सीबीआई ने एलजी से करवाई इजाजत की। आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा ने एमएमएलडीए पर लगाया मुंबई मेट्रो में 1,000 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े का आरोप, मेट्रो परियोजना में प्रभावित लोगों को घर देने में घोटाले का आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा, राज्यपाल के अभिभाषण पर भाजपा विधायकों ने किया वॉकआउट, सदन के अंदर अभिभाषण की कॉपी भी फाड़ी गई। मिशन गगनयान की तैयारी में जुटे इसरो को एक और नई कामयाबी मिली है, इंजन का पहला थ्रॉटलिंग हॉट टेस्ट पूरा हुआ। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों की भी बजट को लेकर लगाई गई ड्यूटी, अपने अपने प्रभारी जिलों में कैबिनेट मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बजट को लेकर देंगे जानकारी।
उत्तराखंड में आज से मौसम में बदलाव के आसार, पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका। मसूरी में 322 होटल संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजा नोटिस, होटल के कमरों, पानी के स्रोत और खपत की मांगी जानकारी, होटल के लिए पानी की लिमिट तय करने की कवायद। जोशीमठ में रास्ता भटककर नदी के दूसरी ओर पहुंचे पति पत्नी, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। विष्णु प्रयाग में नदी की दूसरी ओर फंस गई थी दिल्ली की दंपति। खटीमा में फिर दिखा सीएम धामी का सादगी भरा अंदाज, एक ठेले से मूंगफली और दुकान से गज्जर खरीदते दिखे सीएम धामी। नानकमता के पूर्व भाजपा विधायक प्रेम सिंह राणा के आवास पहुंचे सीएम धामी, प्रेम सिंह राणा की मां के निधन पर सीएम ने जताया शोक। और रुद्रपुर में युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग, 30 जनवरी को घर से लापता हो गया था परवेश मोहम्मद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।